सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू वेलकम टू क्रिएट अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है वीडियो क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर्फम करिए फिर फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली चलो आई होप सभी को ये वीडियो क्लियर वॉइस क्लियर है मेरी सभी को एंड दिस वीडियो इज आल्सो क्लियर फॉर एवरीवन ठीक है तो यार जितने भी लोग सेशन में प्रेजेंट हो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो आज एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं एक बहुत ही दिल को झकझोर के रख देने वाली एक कहानी जो अभी हाल फिलहाल में मैंने पढ़ी तो अगर आप ये सारी कहानी से थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाओगे इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख पाओगे तो आपको समझ आ गया है कि आपकी जो इनएबिलिटी है आप जो बोलते हो कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है या फिर हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए जो एफर्ट्स नीड एफर्ट एफर्ट्स नीडेड होते हैं उसके अलावा हम बहुत सारे अपने अराउंड एक शेडो स्टोरी बना लेते हैं कि अच्छा हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है हम तो इस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर सकते वो सारी बातों पर शायद आज, आज आपका फुल स्टॉप लग जाएगा और शायद आज के बाद स्टोरी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक मोटिवेटेड रहोगे ठीक है तो जल्दी से सभी को शेयर करो सेशन को लाइक करो फिर सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन डेडिकेटेड है एक ऐसे प्लेयर के ऊपर जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया यार कि अगर इंसान कुछ करना चाहे अगर उसके अंदर कुछ करने की चाहत होती है ना तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑन द प्लेस फॉल करती रहती हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास ना कुछ करने की जो चाहत होती है वो अंदर से नहीं आती हम हमको एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुँचना चाहते हैं ना तो वो हमारे अंदर से बहुत स्ट्रॉग डिज़ायर नहीं होता शुरुआत में तो होता है एक दिन दो दिन बट लंबे समय तक हम लोग उसको मेनटेन नहीं कर पाते हैं और गेट के एग्ज़ाम की तैयारी या फिर किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी तो सिर्फ एक दिन की होती मैं एक साल की होती है या डेढ़ साल की होती है या दो साल की होती है बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जहाँ पे लोगों ने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए पाँच पाँच साल दस दस साल तक बिना रुके बिना किसी ब्रेक के तैयारी स्टार्ट की तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है उनके बारे में और आइए देखते हैं कि उनके उनकी लाइफ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैंने पढ़ी वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ ठीक है तो इंडियन हॉकी टीम आ, की प्लेयर रानी रामपाल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखिए अगर मैं उनकी एक आपको बहुत ही हम्बल स्टोरी बताऊँ तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि वो एक ऐसे घर से बिलोंग करती थी ना जहाँ पर उनके घर में लाइट तक नहीं होती थी लाइट तो छोड़ो उनके पास सोने के लिए उनकी फैमिली के पास बेड्स तक नहीं होते थे उनके जो फादर थे वो एक्चुअली एक रिक्शा पुलर थे कार्ट पुलर थे और दिन में सिर्फ और सिर्फ अस्सी रुपये कमाते थे तो वो जब अपनी फैमिली की लाइफ देखती थी अपनी लाइफ देखती थी तो उनको लगता था कि यार इस लाइफ से तो बेहतर है कि लाइफ ना ही हो तो अगर इस लाइफ से उनको लगता था बेहतर है कि लाइफ होनी ही नहीं चाहिए बट एक दिन क्या हुआ कि उनके पास उनकी फैमिली जहाँ पे रहती थी उसके पास एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ एक हॉकी ग्राउंड हुआ करता था वहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स हॉकी खेलते थे तो उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा ये हॉकी तो अच्छी चीज़ है इसको शायद मैं भी खेल सकती हूँ या मुझे इस चीज़ को ज़रूर खेलना चाहिए बट जब वो हॉकी वाले ग्राउंड में पहुंचे और उन्होंने वहां पे देखा कि यार यहाँ तो काफ़ी अच्छे खासे लोग खेल रहे हैं जिनके पास थोड़े पैसे होते थे जो अपनी हेल्थ को अफोर्ड कर सकते थे जो हॉकी स्टिक को अफोर्ड कर सकते थे जो शूज़ को अफोर्ड कर सकते थे उनके पास इतने पैसे तक नहीं होते थे कि वो अपने हॉकी के शूज़ को अपनी हॉकी के स्टिक को अफोर्ड कर पाए तो सबसे पहले तो उनके मन में एक डिज़ायर जागी उनके मन में एक इच्छा जागी कि यार मुझे हॉकी खेलना है अब जरा यार आप इसको अपनी इच्छा से कंपेयर करके देखो कि आपके दिमाग में किस चीज़ की इच्छा जगती है क्या आपको इस टाइम पे ये इक्श्छा कि आपको गेट में कोई रैंक लेके आनी है कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है या कोई पर्टिकुलर जॉब लेनी है तो अगर आप उनकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखो तो आपके पास तो सारे प्रिवेलेजेस प्रेजेंट हैं आप एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रह रहे हो अगर आप घर पे रहते हो तो आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट करती है अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज के इन्वायरमेंट में आप प्रोटेक्टेड रहते हो आपको अभी किसी को जवाब नहीं देना है आपको बिन मांगे आपको महीने के पैसे मिल जाते हैं आपके पास इंटरनेट है आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक आप ही के जैसा एक स्टूडेंट शायद उसके लिए वो स्ट्राइव कर रहा होगा या उसी की वो इच्छा करता होगा कि शायद मेरे पास ये सारी चीज़ें होती तो अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट हैं उसके बावजूद आप उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उसके बावजूद आपके अंदर वो चाहत नहीं वो इच्छा नहीं है कि यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप इनकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट करके देखो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था एक दिन के अस्सी रुपये यार कुछ भी नहीं होते एक दिन के वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अस्सी रुपये कमाते थे और उसमें पूरी की पूरी फैमिली का उनको पालन पोषण करना होता था तो फ़िलहाल उन्होंने ये सोच लिया था कि उनको हॉकी खेलनी थी और ये डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉग होती गई इतनी स्ट्रांग होती गई उसके बाद जो सारे के सारे बैरियर्स थे ना वो सारे के सारे नो बैरियर की तरह काम करने लगे अल्टीमेटली उन्होंने क्या सोचा कि मुझे हॉकी तो खेलना ही खेलना कैसे ना कैसे करके तो उन्होंने पहले अपनी फैमिली में बात की जाहिर सी बात है अगर एक गरीब फैमिली होती है तो बहुत कंजर्वेटिव होती है वो अपने फैमिली के किसी भी मंबर को जनरली वो किसी भी तरह का ड्रीम परस्यू करने के लिए इतनी जल्दी इंकरेज नहीं करते ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी प्रेजेंट नहीं होते ठीक है तो फिर जब इन्होंने अपनी फैमिली में बात की कि मुझे भी हॉकी खेलना है मुझे भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए तो घर वालों ने बोला ठीक है आप जाओ और जाके आप हॉकी खेलो और बात कर लो वहाँ पे अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो तो सबसे पहले जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं क्या तुम एक दिन के फाइव हंड्रेड ऑफ मिल्क अरेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो जाहिर सी बात है उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी फिर एक दिन जब गेम खत्म हुआ तो उनको वहाँ पर एक टूटी हुई हॉकी स्टिक मिली वो टूटी हुई हॉकी स्टिक लेकर उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू किया जब उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया तो जो वहाँ पे कोचेस रहते थे तो उन्होंने उनकी लगन को देखा उन्होंने बोला यार इतनी छोटी लड़की और ये हॉकी के लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट है जबकि वो आ, अगर आप वहाँ पे देखते तो ये भी उन्होंने अपने स्टोरी में बताया कि शिवाज मॉ न्यूट्रिनिस्ट मॉ मॉल मा, मा, न्यूट्रिनिस्ट इसका मतलब ये है कि उनके पास ना सही तरीके से उनकी हेल्थ भी नहीं थी कि वो हॉकी के लिए एक प्रॉपर प्लेयर समझी जाए बट हुआ क्या जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जब वहाँ पे टूटी हुई हॉकी स्टिक से खेलना शुरू किया अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को शो करा तो बहुत सारे जो कोचेज़ वहाँ पे थे ना उन सारे कोचेज़ ने समझा कि यार वाकई में इस लड़की के अंदर पैशन है वाकई में हॉकी खेल सकती है तो उन्होंने उससे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बोली ठीक है हम तुमको अलाउ करते हैं हम तुम्हें हॉकी स्टिक भी दिला देंगे बट एक चीज़ तुमको अपने घर से अरेंज करनी पड़ेगी वो है फाइव मिलीलीटर ऑफ मिल्क तो आप सोचो एक खिलाड़ी के लिए हेल्दी रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बट उनके घर पे सब कुछ था खाकर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 200 हंड्रेड मिली लीटर ऑफ मिल्क अरेंज कर पाते थे वो लोग और उसमें वो 300 सौ मिली लीटर अपने एंड से पानी मिला लेते थे ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके पास पाँच सौ मिली लीटर का मिल्क uh, नहीं उनके पास पीने के लिए ताकि वो एक अनफिट प्लेयर की तरह टीम uh, में पार्टिसिपेट ना करें ठीक है तो इतना सब कुछ करने के बाद भी इतने सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ा और चलो ठीक है आप अपनी सोसाइटी में अगर देख भी लो अगर आप हम लोग अपनी सोसाइटी को देखें या अपनी सोसाइटी का अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो आप ये देखते हो कि हमारी सोसाइटी जनरली दो हिस्सों में बटी होती है एक हिस्सा होता है जो प्रिवलेज हिस्सा होता है जिसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं एक थोड़ा सा अंडर प्रिवलेज हिस्सा होता है जिसके पास सारी चीज़ें उतनी एक्सेसिबल नहीं होती बट अगर आप अपने अराउंड देखोगे ना तो जितने भी आपको प्लेयर्स मिलेंगे जितने भी आपको स्पोर्ट्समैन मिलेंगे जितने भी आपको सक्सेसफुल फर्स्ट जनरेशन मिलेंगी ना वो हमेशा वो अंडर प्रिवलेज इन्वायरमेंट से उठ के आते हैं क्योंकि दे डोंट थिंक्स फॉर ग्रांटेड हम लोग थिंग्स फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास तो सारी चीज़ों का प्रिविलेज है ठीक है ना कल को नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा मम्मी पापा के पास कम से कम इतना तो है ना कि दो वक्त का खाना खा लेंगे ये एटीट्यूड जो होता है ना बहुत डेडली होता है और ये एटीट्यूड आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं है तो मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी जनरेशन को मेक शिफ्ट देना अगर आपको अपनी जनरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा या फिर आप अपनी जनरेशन के आइडियल बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बने आप उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें अगर आप अंडर प्रिवलेज से प्रिविलेज की कैटेगरी में जाना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको अपने एंड पे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और इसके लिए सैकड़ों सैकड़ो एग्जाम्पल आपके आसपास प्रेजेंट है ठीक है तो जितने भी लोग अगर सेशन में आते जा रहे हो सेशन को लाइक शेयर भी करते जाओ फटाफट लाइक शेयर भी करते जाओ फिर इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ठीक है ठीके? तो क्या मैथ्स की क्लास नहीं मैथ्स की क्लास चल रही ठीक है मैथ्स की क्लास आज भी चल रही थी आज आप जाके अटेंड नहीं किए आपने इसका मतलब क्लास अटेंड करिए हाँ तो मैं यहाँ तक की कहानी जल्दी से आपको समराइज कर देता हूँ जो लोग लेट ज्वाइन करें कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रानी रामपाल जी की जो कि हमारी इंडियन हॉकी टीम की एक ऐसी प्लेयर हैं जो सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ऑनिस्टली स्पीकिंग ओलंपिक से पहले मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था बट जब मैंने ओलंपिक के बाद इनकी स्टोरीज़ को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ है और कहीं ना कहीं मैंने सोचा ये स्टोरी आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए जल्दी से मैं समराइज़ कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास सोने के लिए बेड्स नहीं होते थे रात भर उनको मच्छर काटते थे उनके पिताजी सिर्फ और सिर्फ दिन में अस्सी रुपये कमाते थे उसके अलावा उनके घर में दो वक्त का कभी भी खाने के लिए इतना भी ज़्यादा इंतजाम नहीं होता था कि वो लोग दो वक्त का खाना खा पाएँ उसके बावजूद उन्होंने किसी को हॉकी खेलते हुए देखा और वो डिजायर इतना ज़्यादा स्ट्रॉग हो गया इतना स्ट्रॉग हो गया कि उन्होंने सोच लिया कि मुझे यार हॉकी खेलना है खेलना एट एनी कॉस्ट उनके पास स्टिक नहीं थी वो टूटी स्टिक से प्रैक्टिस करती थी उनके कोचे उनसे इंस्पायर हुए उन्होंने बोला कि यार इसके अंदर दम है इसको आगे हम लोग ला सकते हैं बट सारी चीज़ें हम अरेंज नहीं करते विल अरेंज समथिंग कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया पूरे दिन थकने के बावजूद वो रात रात भर प्रैक्टिस करती थी क्योंकि उनके अंदर ये डिजायर थी कि अगर मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन दी है तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है उनकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव थी कि जब उनको पता चला कि हॉकी खेलने के लिए इनको स्कर्ट पहननी पड़ेगी इनके पास पूरे कपड़े नहीं होंगे तो उनकी फैमिली ने उस पर बहुत ज्यादा विरोध जताया उसके बावजूद उन्होंने इन सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन से लड़ते हुए झगड़ते हुए कहीं ना कहीं अपने डिजायर के लिए थोड़ा सा और एफर्ट डाला तो उनकी फैमिली को भी उनके आगे झुकना पड़ा उन्होंने बोला ठीक है यार अगर तुम चाहते हो तो तुम करो बट तुम्हें जीत के आना होगा या तुम्हें एक ऐसा स्टैंडर्ड एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके आना पड़ेगा जिससे आगे आने वाली जनरेशन इंस्पायर होंगी तो उसके बाद उन्होंने अपने जैसा मैंने आपको बताया कि कोचेस वगैरह ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया सपोर्ट करने के बाद फाइनली उनका इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्शन हो गया था एट द एज ऑफ द फिफ्टीन आप जरा इमेजिन करने की कोशिश करो कि फिफ्टीन की एज पे आप क्या कर रहे थे या इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आज की डेट में आप क्या कर रहे हो जबकि आप 22 साल 23 साल 24 साल के हो चुके हो जबकि आप 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल के हो चुके हो तो आप जरा इनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश करिए कि क्या आप इनसे ज़्यादा प्रिवलेज हैं आंसर होगा येस क्या आपके पास इनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आज की डेट में ये भी आंसर होगा ये बट क्या आपके पास इनसे ज़्यादा एफर्ट मारने की क्षमता है तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि आप कभी भी एफर्ट डालना नहीं चाहते हो आपको क्या चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ सर ड्रीम देख सकते हैं ना हम सोच सकते हैं हमें सोचने में बहुत मज़ा आता है कि कल को हम सक्सेसफुल हो जाएंगे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी बट सर जब हम उसके लिए एफ़र्ट करने बैठते हैं ना तो एफर्ट करने का मन नहीं करता है तो यार ये चीज़ मैं बहुत सारे सेशन्स में आप लोगों से बोलता हूँ और आज भी ये चीज़ बोल रहा हूँ देर इज अ वेरी मैसिव डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड डे ड्रीमिंग विजुलाइजेशन होता है पाँच सेकंड का दस सेकंड का विजुअलाइजेशन हमेशा करना चाहिए अपने सपनों का अपने ड्रीम्स का जो भी आप फुलफिल करना चाहते हो बट अगर आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो उसके बारे में अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रो ना तो वो कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं आप किसी भी सेशन में आओगे किसी भी सेशन में आके पढ़ना चाहते हो और आप सोचते हो कि आपको बैठे बैठे ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पॉसिबल ही नहीं आपको अपने इनसे एफर्ट डालना ही पड़ेगा तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को इनके बारे में पता चले मैं ज़रूर बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनके बारे में और पढ़िए और देखिए और इनसे इंस्पायर हुई और मेरे ख्याल से इनसे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता कि जिसके पास कुछ ना होने के बावजूद उन्होंने इस लेवल का ड्रीम अपना अचीव कर लिया जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू दिस थिंग अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है प्रोवाइडेड आप उसके लिए एफर्ट डालते जाएं लगातार विदाउट थिंकिंग कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं कौन से रिसोर्सेज नहीं और इनसे तो ज़्यादा ही आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आप जरूर अचीव कर सकते हो अपने छोटे मोटे ड्रीम को जबकि इन्होंने इतने बड़े ड्रीम को अचीव किया आपका स्ट्रगल तो एक सवा साल का इनका स्ट्रगल शायद पाँच साल का दस साल का रहा होगा और भी ज्यादा स्ट्रगल आप मान सकते हो अगर आप इनके पूरी फैमिली लाइफ से और पूरी प्लेयर तक की जर्नी को देखोगे ठीक है बताइए तो क्या लगता है आपको आपको क्या लगता है इनकी स्टोरी जानने के बाद कि यार क्या ये भगवान है क्या ये ऊपर से आए या इनको किसी ने वरदान दिया था या ये भी एक नॉर्मल सी इंसान है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सपना देखा उस सपने में एक पॉजिटिव सोच डाली और उस पॉजिटिव सोच वाले सपने को वापस से मेहनत कर करके रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया तो सपना देखना ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है सपने में पॉजिटिव सोच डालना भी इंपॉर्टेंट होता है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है सपने का एग्जीक्यूशन जब तक आप अपने सपने के लिए एग्जीक्यूशन नहीं करोगे जब तक अपने सपने के लिए वर्क हार्ड नहीं करोगे ना तब तक आप कभी भी ना उसको रियलिटी में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो तो मेरा आप सभी लोगों से यही एक एक सजेशन है आप सभी लोगों के लिए बीइंग अ टीचर और अ सीनियर कि अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो कोई भी सपना देखते हो आपको लगता है कि यार ये मुझे करना है तो उसको करने की जो राह होगी ना वो हमेशा ही मुश्किल होगी कभी सीधी सीधी राह होगी नहीं कभी ऐसा रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं कि आप सीधे सीधे चले जा रहे हो और आपको रास्ते में कोई दुख दर्द नहीं मिल रहा है आपको बहुत कठिन रास्ता मिलेगा बहुत सारी डिफिकल्टीज मिलेंगी बट उसके बावजूद अगर आप उसको जीतते हो ना फिर आपके अंदर क्रिएट होता है एक सेंस ऑफ प्राउडनेस तब आपको अपने ऊपर प्राउड आता है अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूँ क्या यार आप शीशे में बिल्कुल स्ट्रेट फेस देख के बोल सकते हो कि यस आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन हुई इज़ इन फ्रंट ऑफ मी शायद आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको आपसे अच्छी तरह कोई दूसरा इंसान जान ही नहीं सकता और जब आपको ये पता है कि यार मैं तो बिल्कुल भी अपने ऊपर प्राउड नहीं फील करता हूँ ना तो आप कभी सोच के देखना अकेले में कि ये कितनी ख़राब बात है मतलब आप ये चाहते हो कि दुनिया आपके ऊपर प्राउड फील करे बट कहीं ना कहीं अंदर आपको पता है कि मैं तो खुद ही अपने ऊपर प्राउड नहीं फील कर सकता इफ गिवन अ चांस तो अगर आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कर सकते ना तो दूसरों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार वो आपके ऊपर प्राउड फील करे आपकी बहुत बड़ाई करे और आपकी बड़ी तारीफ़ें करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो सबसे पहली चीज़ अब जैसा बोलते हैं ना बहुत सारे आपने शायर शायरों को भी देखा होगा या शायरी में सुना होगा कि कभी भी खुद को ना अपनी नजरों से नहीं गिराना चाहिए इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ऐसा एफर्ट डालते रहो ना कि कम से कम खुद आप अंदर से हमेशा प्राउड फील करो दुनिया आपके ऊपर प्राउड फील करे चाहे नहीं करे बट ये भी चीज़ सर्टेन है कि अगर आप खुद अपने ऊपर प्राउड फील करते हो अगर आप खुद शीशे में बोल के देख सकते हो कि यस आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी तो बाकी दुनिया भी आपके ऊपर प्राउड होगी दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल ठीक है तो आज से आप लोग अपने आप से एक वादा करिए जो भी आपका ड्रीम है जरूरी नहीं कि वो ड्रीम किसी एग्जाम को क्लियर करने को लेके हो सकता है आप कुछ और भी करना चाहते हो सकता है आपका पैशन कहीं और लाई करता हो कुछ भी आप करना चाहो बट उसके लिए एफर्ट जरूर लगेगा आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे हर कोई जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनके जैसा बनना चाहता है बट क्या वो बनने के लिए जो एफर्ट नीडेड हो आप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो तो नहीं बन पाओगे ना हर कोई आप टीचर्स को देखते हो यार इन टीचर की तो ऑल इंडिया रैंक वन है इनकी ये रैंक है इनकी वो रैंक है हम भी इन्हीं के जैसी रैंक लाना चाहते हैं बट जब एफर्ट डालने की बात आती है तो वहाँ पे आप पीछे हट जाते हो तो नहीं आएगी रैंक ये बहुत एक कड़वा सच है आप नहीं बन पाओगे कुछ भी जब तक आप अपने एंड से एफर्ट नहीं डाल रहे हो अगर सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते जा रहे हो पूरे के पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सिर्फ सफलता को सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो ना तो उसको अचीव करना ना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है तो अब मैंने आपके सामने एक स्टोरी रख दी आप कंपेयर करो भाई कौन ज़्यादा प्रिवलेज है किसके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं कौन ज़्यादा अच्छे माहौल में पला बढ़ा है किसके पास आज की डेट में 24, 25, 26 साल होने तक भी कोई अचीवमेंट नहीं है और इनकी लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करो जिनके पास कुछ भी नहीं था जस्ट शी वाज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसके बावजूद उन्होंने उसको कन्वर्ट करके दिखाया मतलब ये होता है कि हर एक इंसान के अंदर वो क्षमता होती है कुछ लोग उसको पहचानते हैं कुछ लोग उसको पहचानने के बावजूद भी उस पर एफर्ट नहीं कर पाते तो आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं और मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सच बताता हूँ आप हमेशा दूसरी कैटेगरी में लाइक करोगे जो सिर्फ और सिर्फ चाहता है करना बट कुछ कर नहीं पाता तो आप अगर सिर्फ चाहते हो कुछ इनपुट नहीं डाल रहे हो उसमें तो मैं आपको अभी से लिख के दे सकता हूँ कि आपका लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होने वाला है बट अगर आप उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हो इन सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हो कि इनका माइंड क्या रहा होगा ये कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करते होंगे ये कैसे एफ़र्ट डालते होंगे तो आप अगर उनका फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट भी अगर आप इनपुट डाल पाओ तो शायद आपकी लाइफ में अच्छा खासा चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी ठीक है तो आइए इसी के साथ ये सेशन हम लोग एंड करते हैं आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूँ और इनके बारे में आप जरूर जाके आज पढ़ना विकीपीडिया में यूट्यूब पे जहाँ पे भी आपको मिल जाए एक बहुत ही आपको रियल टाइम इंस्पिरेशन मिलेगी जो शायद फिर आगे आने वाले पाँच छः महीने तक आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए फाइन तो देखो एक कोई फिलोसफर है कमेंट सेक्शन में मोटिवेशन तो मजदूरों के लिए चाहिए होता है राजा हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो ये भी तो एक मोटिवेशनल सेशन है तो आप क्या हो राजा नहीं देखो सारे सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का देखो एम यही होता है ना जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं तो जो मेरे साथ हुआ रहता है या जो मैं कहीं से सीखता हूँ वही आके कभी कभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ठीक है तो मैं कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ बट सबका एम यही होता है ना कि आपके अंदर जो एक, एक इंसान बैठा हुआ है ना जो ये चाहता है वाकई कि आप बहुत बड़ी चीज़ अचीव करो वो कहीं कही ना कहीं आप बाहर ला के आ पाओ जैसे मैं आपको बताता हूँ ना जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ होता है ना आपका माइंड एक तरफ होता है आपका इमोशन है ना जो आपका माइंड होता है ना वो हमेशा आपको सही सजेशन देगा आप बेड पे पड़े हो मोबाइल चलाए जा रहे हो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो आपका माइंड बार बार बोलेगा आपसे कि भाई उठ जा और चेयर पे जाके बैठ और पढ़ना शुरू कर दे बट आपके जो इमोशंस होंगे जो इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं ना उस चीज़ से जिस भी चीज़ को आप कर रहे हो कि आप फिर उससे कभी बाहर आ ही नहीं पाते हो तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए ना अपने माइंड की सुननी चाहिए जैसे ही माइंड आपसे पहली बार बोले कि अब चल उड़ जा और चल बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दे इमीडिएटली आप जाके बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो आप बोलते हो ना कि सर हम किससे पूछें हमें कौन गाइड कर सकता है हमें कौन बता सकता है तो आपको ना आपका माइंड हर वक्त बताता रहता है और मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग इस बात से एग्री करते होगे कि जब आप एक घंटे तक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते होगे पहले दो मिनट बाद ही आपका माइंड बोलना शुरू कर देता है कि भाई ये सब बंद करो और चल के पढ़ना स्टार्ट करो बट आप अपने माइंड की सुनते नहीं हो तो आपका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको सबसे बड़ा गाइड करने वाला चीज़ है ना वो आपका दिमाग अगर उसकी सुनोगे तो चीजें अपने आप चलती रहेंगी नहीं सुनोगे इमोशनली अटैच रहोगे किसी चीज से तो फिर आप वैसे ही रहोगे जैसे अभी तक आपकी कहानी चलती आ रही ठीक है देखो हर दिन ना किसी से ज्यादा मेहनत मत करो ना देखो सबका बॉडी टाइप सबका माइंडसेट सबका एक्सपीरियंस सबका जो थॉट प्रोसेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर दिन ना अपने आप से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करो आप ना अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करो अगर आपको लगता है यार कल मैंने ना पाँच घंटे पढ़ाई की थी तो कोशिश करो कि आज आप साढ़े पाँच घंटे एक प्रोडक्टिव स्टडी निकाल के लाओ सोलह घंटे कॉपी को घूरते नहीं रहना एक प्रोडक्टिव स्टडी बाहर निकाल के लाना और देखो जैसा मैं बार बार बोलता हूँ ना आप लोग जो भी कचरा कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो ना इंटरनेट पे सबसे बेहतर होता है कि जब भी आपको टाइम मिले जब भी आप खाना खा रहे हो जब भी आप मोबाइल में कुछ देखना चाहते हो तो जो इंस्पिरेशनल फिगर्स होते हैं ना उनके इंटरव्यूज़ देखा करो जैसे विराट कोहली हो गया जैसे अगर रानी रामपाल का आपको इंटरव्यू मिल जाता है जैसे आपको अगर नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू मिल जाता है जैसे आपको आ, किसी भी नॉट फ्रॉम द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी आपको कहीं से भी कोई भी अच्छे इंसान का इंटरव्यू मिलता है आप उसको पढ़िए कोई आई बन गया हो जैसे मैंने बीच में आपको आ, स्टोरी सुनाई थी एक आई ऑफिसर के जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे तो आपने इंस्पिरेशन लोगों की इंटरव्यूज पढ़िए आजकल तो सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं जब आप इंटरव्यूज पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं जिनका थॉट प्रोसेस ना बिल्कुल अलग है मेरे से तो क्या क्या मैं इनके थॉट प्रोसेस के साथ कुछ हद तक अलाइन हो सकता हूँ क्या अगर आप कुछ हद तक उनके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन हो पाओगे ना तो आप देखोगे कि आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे खुश रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है डेडलाइन लाइन कम्प्लीशन मैंने बहुत सारे सेशंस में आपको बताया कि अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हो अंदर से तो एक दिन में आपने जो डेडलाइन बना रखी है ना उसको कंप्लीट कर लो रात में आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दे दूँ वैसे तो बहुत सारे दे सकता हो बट मान लो तीन ऑप्शन दे दूँ सपोज आपको पिज़्जा बहुत पसंद है ठीक है आप सुबह से शाम तक पिज़्जा खाए जा रहे हो तो आप रात में देखोगे ना आप हमेशा गिल्टी फील करोगे कि यार मैंने कुछ नहीं किया सुबह से शाम तक सिर्फ पिज़्ज़ा खाता रहा या मान लो आपको मूवी देखना बहुत पसंद है मैं बोलूँ चलो ठीक है आज चार मूवीज़ देख लो आप चार मूवीज़ देखोगे मूवीज़ के दौरान तो आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा बट रात में जब होगी तो आपको लगेगा यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया बट जिस दिन आप अच्छे से मेहनत करके सोचते हो कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना और चैप्टर कंप्लीट कर लेते होगे ना उस दिन रात में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता होगा आपको लगता होगा यार लग रहा है अब ट्रैक पर गाड़ी आ रही अब कुछ किया जा सकता है अब आज चैन की नीच सोते हैं तो डेडलाइन कंप्लीशन ना आपको एक्चुअल खुशी देती है एक्चुअल प्लेजर देती है जो आपको चाहिए होता है जो आप अंदर से खुशी फील करते हो समझ आ गई बात सभी को तो जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि हर दिन मैं ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ तो ज़्यादा मेहनत अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो ठीक है बिल्कुल सही बात है यार सौरभ ठाकुर सर की आपने लाइन बोल दी और वाकई में यार ये बहुत अच्छी लाइन है मतलब मैं इस बात से इसलिए भी काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ ना क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही प्राइवेट कॉलेज से भी था मैं भी शायद सही टाइम पे अपना पोटेंशियल पहचान नहीं पाया बट जब मैंने अपना पोटेंशियल पहचाना तो मैंने बहुत कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो शायद बहुत सारे आई आई टी एम्स आई भी अचीव नहीं कर पाए आज तक तो एब्सोल्यूटली व्यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स बट आपको वो ज़रूर समझना होगा कि आप उसको पहचान कब पाते हो ना आपको पता है कि ये मेरी लिमिट है जिस दिन आप उसको पुष्ट कर जाओगे ना देन यू विल गो बियॉन्ड मेजर्स समझ गए चलो ठीक है तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं तो मेरे आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही था कि इनसे इंट्रोड्यूस करवाना आपको या बताना बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जिनको नहीं पता होगा वो पढ़िए ज़रा इनके बारे में पढ़िए और देखिए और इस चीज़ को ज़रूर कंपेयर करना यार कि आप क्या कर रहे हो छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस पच्चीस साल के हो गए चौबीस साल के क्यों नहीं अभी तक अचीव कर पाए जो करना चाहते थे और आज से उसको स्टॉप करेंगे दिस इज द डे वन दैट यू आर हैविंग कल से आपकी एक नई शुरुआत होती है ठीक है एवरी सिंगल डे इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज यूर और देखो जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आप सभी लोगों ने कभी सुना होगा नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ इस चीज़ को ना थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ आज का जो दिन है वो आपकी बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है तो आज के दिन को आप जितना ज़्यादा बेहतर बनाओगे उम्मीद होगी कि आगे आने वाली जिंदगी भी ना उतनी ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी तो इसी कोड के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं मिलते हैं हम लोग किसी और एक ऐसे सेशन में किसी और एक इंस्पिरेशनल फिगर के साथ जिनसे शायद आप थोड़ा रिलेट कर पाओ जिनकी स्टोरी से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ शायद आप लोग भी उनसे मोटिवेट होगे ठीक है तो जो लोग भी सेशंस में आते जा रहे हो सेशंस को लाइक करते जाओ यार जेई के लिए अभी कोई सेशन स्टार्ट नहीं होगा ठीक है आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछते रहो मैं डाउट्स देख रहा हूँ जो डाउट्स में अच्छा लग रहा है मैं बता रहा हूँ ठीक है उनकी क्या जिनकी जॉब है फुल टाइम मेरे भाई मेरी भी जॉब थी फुल टाइम ठीक है मैं भी नौ से पाँच नौकरी करके आता था उसके बाद छः बजे से लेकर रात को चार बजे तक पढ़ता था फिर सुबह जाता था नौकरी करने फिर आता था फिर पढ़ता था सुबह से शाम तक तो क्या आप नौकरी के साथ साथ निकाल सकते